हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यार आज ना हम आपको रिएक्शन ब्लॉग नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको ना अपने ब्लॉग में बनारस की गलियां दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम हैं मणिकर्णिका घाट पे और इधर एक चौक गली है। चौक गली काफ़ी फेमस गली है और माना जाता है कि इस गली से जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो हम आपको रास्ते में दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए बने रहिए आज के ब्लॉग में और देखिए आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको दिखता है, आज बनारस के बारे में हम आपको दिखाएंगे ना। तो फिलहाल में देखिए घाट पे जहाँ पर हम हैं उस जगह का क्या नज़ारा है। तो ये देखिए सामने वाला जो मंदिर देख रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं काशी करवट, लेकिन ये काशी करवट मंदिर नहीं है, इसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। और आगे जहाँ आपको धुआं धुआं कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे है मणिकर्णिका घाट। और एक आपको हम कुंड दिखाते हैं, देखिए नज़ारा कितना अच्छा। उधर छत पे देख रहे हैं, छत के साइड में भी बहुत सारी मंदिरें बनी हुई हैं। और एक ये देखिए कुंड है, इसको कहते हैं मणिकर्णिका कुंड, इसी के नाम पे इस घाट का पूरा पड़ा हुआ है नाम। दोस्तों इस ये जो कुंड है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे माता पार्वती जी का कुंडल, कान का कुंडल गिरा हुआ था और यहाँ पे भगवान शिव जी आते हैं और इसी कुंड में से उस कुंडल को खोजते हैं। और बताया ना कि यहाँ पे पचकोश की यात्रा आप लोग जानते होंगे, महाशिवरात्रि के दिन पचकोश की यात्रा होती है, वो यात्रा यहीं से इस कुंड से नहाकर स्टार्ट होता है। चलिए अभी हम चलते हैं आगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप सभी लोग बने रहिएगा। देखिए धूप गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पूरा टेंट तिरपाल लगाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, बहुत स्पेशल वीडियो ये रहेगा आप लोगों के लिए और ऐसा वीडियो आप लोग को ना कहीं देखने को नहीं मिला होगा। एक मंदिर हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए ये जो मंदिर है ये काफ़ी फेमस मंदिर है, ये तारकेश्वर महादेव का मंदिर है। और सामने वाला जो एरिया दिख रहा है मणिकर्णिका घाट, ये लकड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो लकड़ियाँ हैं ना इन्हीं पे चिताएँ जलती हैं, हम चिताओं को नहीं दिखा सकते। देख रहे हैं दोनों साइड में लकड़ी रखा हुआ है और एक ये लड़का है जो उसके किसी परिजन का डेट हो गया था, ये रास्ता है जो जाता है घाट की तरफ। और फिलहाल इधर से हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे, ये जो सामने हमारे रास्ता जा रहा है ये काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी जाता है प्लस चौक की साइड भी जाता है, लेकिन हमको चलना है चौक के साइड, चौक के साइड चलेंगे। ये पूरा जो मेन गेट होता है इस गली का वो हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, देखिए जैसा कि हम बता रहे थे ये रास्ता जाएगा मंदिर के अंदर। इस गली की खास बात है, इस गली के हर घर में नहीं देखना है, इस गली के अंदर आपको ना इस घर में यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं हर घर में आपको एक दो ठो तीन ठो मंदिर जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ की खासियत यही है, इसीलिए ना बनारस को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। देखिए इधर से घूमना होगा, और इस गली की जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं देखिए कितनी सुंदर हर जगह पेंटिंग की गई है। उधर देखिए वहाँ पे इधर के जितने भी दीवार हैं सब आपको पेंटिंग किए हुए मिलेंगे। दोस्तों गली थोड़ा सा ना
लंबा है, इसकी वजह से वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग बस इस ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा। देखिए ये रास्ता, इतना रास्ते में इतना मोड़ है ना कि आपको अगर मणिकर्णिका घाट जाना है ना तो आप भूल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे निशान लगाया गया है और बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट यही रास्ता जा रहा है। और बाकी बनारस की कुछ ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे आपको गाय इंसान, ये देखिए गाय इंसान और गाड़ी बाइक वाले दोनों लोग, आप तीनों लोग आपको चलते हुए साथ देखने को मिलेंगे। बाकी इधर देखिए ठंडई की दुकान, इधर मिठाई की दुकान, इधर पान का दुकान, बनारस का पान। देखिए कपड़े का दुकान, भैया दुल्हन लेके इधर ठहरा था। इधर चाय, ये सब एक तरीके से देखे ना बनारस का बहुत ही माना जाना गली है, और इसी गली में खोवा गली भी देखने को मिलता है। इधर देख रहे हैं अभी लगभग हमको वहां से चले हुए 7 मिनट हो चुका है, और इधर देखिए घर के अंदर उतनी ऊंची मंदिर पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे भी लगाया गया है ना, कहना बहुत मोड़ है रास्ते में, मणिकर्णिका घाट लिखा हुआ था। अरे अरे भैया एकदम चौचक सन 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 मोड़त के लिए आवतन। यहाँ पे बाइक स्टैंड, सामने पुरवा का दुकान, देखिए यहाँ पे एक सबसे मशहूर दुकान है फ्रूट लस्सी का, फल से बनाया जाता है लस्सी, वही दुकान देखिए ये है। इस दुकान का नाम है ब्लू लस्सी, और यहाँ पे फ्रूट लस्सी मिलता है, फ्रूट लस्सी की जगह ब्लू लस्सी का नाम रखा गया है। और हम लोग अभी फ़िलहाल में पहुँच गए हैं खोवा मंडी की तरफ। ये रास्ता है ना, इसी रास्ते से जो मणिकर्णिका घाट पर डेड बॉडी जाती है, देखिए ये है खोवा गली। आइए हम आपको खोवा गली घुमाते हैं। देखिए इधर खोवा बिक रहा है, इधर पनीर। ये है खोवा पनीर वाली गली। देख रहे हैं चलिए फिर इधर से घूम के वापस चलते हैं। कुछ ना भैया, तो अभी हम फिलहाल में बनारस के खोवा मंडी में हैं। बताएं कि चुनार के बाद दूसरा नंबर आता है बनारस की खोवा गली, और अभी हम हैं बनारस के खोवा गली में। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, सीधे मणिकर्णिका गेट की तरफ जाएंगे। ये देखिए देख रहे हैं इधर पूरा पीला पीला कपड़ा। और हम लोग निकल गए हैं अभी मेन रोड पे, यानी चौक की तरफ निकल गए हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं सामने जो
जो द्वार बना हुआ है ये देखिए, यही है मणिकर्णिका द्वार। फिलहाल में यार वो जो लगा है ना उसकी वजह से छिप गया है। और अब हम इधर से थोड़ा चलते हैं काशी विश्वनाथ गेट की तरफ, जो गेट नंबर 1 है उधर चलते हैं। हम आपको गेट दिखाते हैं जहाँ से मंदिर के अंदर जाया जाता है। दोस्तों यही है बनारस का सबसे बड़ा मार्केट, जहाँ पे आपको हर चीज़ कुछ भी आप लेना चाहें सब कुछ मिलते हैं। बहुत मशहूर जगह ये है, बनारस का चौक सबसे मशहूर जगह। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं काशी विश्वनाथ गेट नंबर 1 पे। देखिए सामने वो है गेट नंबर 1। मुँह है से भाई, मतलब मुँह सूख गई, इसलिए छूट गया मुँह से, पसीना पसीना हो गई एकदम। इधर देखा इतना पुलिस, आम बात है जितना पुलिस लोग देखा तुम्हें ना यहाँ पे, सब चीज़ तो आम बात है। इतना पुलिस यहाँ पे दोस्तों के दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई बवाल है, लेकिन सच में बवाल नहीं रहता है यहाँ पे। इतना पुलिस 24 घंटा रहता है, लगाया जाता है सबका ड्यूटी। और देखिए इधर से मंदिर में जाने का रास्ता है। और अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है चौक, बनारस का सबसे मशहूर जगह है चौक। तो अभी हम ये वीडियो, इसी वीडियो को थक गए हैं ना, दूर से बोला नहीं जा रहा उतना दूर से पैदल आने में। एक तो वहाँ वो जो रास्ता है ना काफ़ी ऊँचे पर है। तो ये वीडियो दोस्तों हम यहीं ख़त्म करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।